विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक और अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल को गुरुवार को तबियत बिगड़ने के बाद दोबारा गुड़गांव के वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 89 साल के अशोक सिंघल को सांस संबंधी शिकायत है और 20 अक्टूबर को इलाहाबाद में तबियत खराब होने के बाद उन्हें वेदांता लाया गया था। गुरुवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई थी, लेकिन अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच वीएचपी ने अशोक सिंघल के स्वास्थ्य को देखते हुए 16 दिसंबर से दिल्ली में 18 दिनों के चतुर्वेद स्वाहकार यज्ञ और दीपावली कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। अशोक सिंघल का हालचाल जानने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मेदांता अस्पताल पहुंचे। अब से कुछ देर पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी सिंघल की तबियत के बारे में जानने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे। अशोक जी की तबियत में सुधार के लक्षण हैं। आज सवेरे 5:15 बजे के लगभग उन्होंने अपनी आंखें खोली हैं। कल रात को 10:30 बजे ही शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा था और बीपी उसमें भी थोड़ा सुधार हो गया था। वेंटिलेशन और डायलिसिस ये सब कल रात्रि को लगभग 7 और 8 बजे के बीच में दोनों उन्होंने शुरू किए थे। उसके कारण ये प्रगति हुई है। और जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता अमित पांडे से, जो इस वक्त मेदांता अस्पताल के सामने ही मौजूद है। अमित, अशोक सिंघल की हालत अभी हमने जानी कैसी है, लेकिन ये बताइए कि कौन कौन मिलने वहां पे उनसे पहुंच रहा है और उनके साथ वहां पे कौन है? देखिए, यहाँ पर अभी तमाम जो वीएचपी के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मिलके गए। उन्होंने ट्वीट भी किया कि उनके जल्द कुशल होने की वो कामना करते हैं। इसके अलावा भाजपा के भी कुछ नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और ये भी उम्मीद की जा रही कि अब से थोड़ी देर बाद प्रवीण तोगड़िया भी आएंगे यहाँ पर उनसे मिलने। तो कुल मिलाकर जहाँ तक नेताओं के मिलने का सिलसिला है और लोगों के मिलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जहाँ तक उनकी मेडिकल कंडीशन का सवाल है, अभी उनकी मेडिकल कंडीशन स्टेबल बनी हुई है, यानी कि हालत उनकी अभी स्थिर है और उनका करीब 7 से 8 डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार उनकी निगरानी कर रही है डॉक्टर नरेश त्रेहन के नेतृत्व में। और अभी फिलहाल अपडेट यहाँ से ये है कि जो उनके वाइटल ऑर्गन्स है, वाइटल साइंस है, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब कि उनके जो जो अंग है, शरीर के अंग है, वो अभी चल रहे हैं और वो अभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नॉर्मल प्रक्रिया के मुताबिक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।